कविता से आज बात शुरू करूंगा। धूमिल की एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है बल्कि रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जो छुपाया जा रहा है, जो देश की जनता जानना चाहती है, जो विपक्ष जानना चाहता है, जो हम जैसे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, अडानी तीसरे नंबर से सीधे गिर करके 22वें नंबर पर, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और उसमें सीधे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हेराफेरी की है, और उस हेराफेरी का नतीजा क्या है कि संभवतः एसबीआई का 21,000 करोड़ का लोन उसको कौन चुकाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ का लोन कौन चुकाएगा। इसकी मार इस देश के किसानों पर, मजदूरों पर, इस देश के मिडिल क्लास पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मैं तो इकोनॉमी के बारे में नहीं जानता, अरे बीच में और जो विद्वान साथी हैं वो बताएंगे, लेकिन साधारण सी समझ ये जरूर कहती है कि अडानी को जिस तरह से मोदी जी ने प्रश्रय दिया, क्या वजह है कि 10 साल के भीतर ही अडानी अडानी हो गए? पहले कौन जानता था? अडानी पहली बार तो निगाह में आए थे 2014 के पहले, जब उनके प्राइवेट प्लेन में मोदी जी चढ़ रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो मोदी जी को यात्रा कराई अडानी साहब ने, और फिर अडानी साहब को सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने। लेकिन हुआ क्या? किसी भी तरीके से, और जो राहुल गांधी बराबर कह रहे थे कि कितना रिस्की है, जो इकोनॉमी की समझ राहुल गांधी को है, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भारत के किसी भी राजनीतिक नेता को है। उसमें अगर मनमोहन सिंह को हम छोड़ दें वैसे वो तो बाकी नेताओं में तो किसी को नहीं। वो भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं, और जो उन्होंने कहा वो दिखा कि जिन लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया था उनका पैसा कहां गया? वो डूब गया। वो तो उसमें एक पुलिस वाला भी, एक मिडिल क्लास का आदमी भी, उसमें और भी लोगों ने पैसा लगाया होगा, उनका भी तो पैसा डूबेगा, और डूबेगा तो उनका क्या होगा, कौन जवाबदेह होगा? अडानी साहब पर सरकार खामोश क्यों है, ये तो देश पूछ रहा है ना। बिल्कुल। और जब देश पूछ रहा है तो उसका जवाब देने में इतनी आनाकानी क्यों? और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने फिर से लगाया है वो कि चौकीदार ही चोर है। आप चौकीदारी करते रह गए और अडानी साहब तीसरे नंबर पर पहुंच गए और फिर लौट करके यहां आ गए, ये कैसे हो रहा था? तो इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी थी, और तब और ज्यादा थी जब आप एयरपोर्ट से लेकर के सड़कें और सब कुछ बेच करके झोली में डाल रहे थे। आपने रेलवे के स्टेशन आपको तमाम बेच दिए। अडानी साहब को क्या नहीं मिला? अडानी साहब का तो ऐसे चल रहा था जैसे हमारे समाज में दामाद का जलवा होता है, ऐसे उनके झोली में फेंका जाना। तो ये जो किया है मोदी जी ने, तो जवाब भी वही देंगे, और इस देश की जनता, इस देश की संसद उनसे पूछ रही है, हम तमाम लोग जो जानना चाहते हैं वो भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इस देश की लाखों करोड़ों जनता की जो गाढ़ी कमाई थी, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसका आखिर क्या होगा? एलआईसी में अगर लोगों का पैसा डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? बड़े गरीब लोगों का भी पैसा लगा हुआ है उसमें। इसलिए अडानी के मुद्दे पर सरकार क्या कहती है, क्या करती है, ये देखना है, और इस देश की राजनीति कहां लेकर के जाती है ये भी देखना है। और इसीलिए जो आपने लिखा ना, कुछ बड़ा होने वाला है, ये यही रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी, जहां तक अडानी जी पहुंचे थे वहां तक जाएगी, कि कहां अचानक अडानी जी का इतना बड़ा अवतार हो गया। और राहुल गांधी ने तो कहा ही था कि ये सरकार पीछे से कौन चला रहा। देखिए राजीव जी, ये तो होना ही है, अभी तो सिर्फ अडानी जी आए हैं,
और उनको जितने झटके लग रहे हैं मुझे लगता है कि अंबानी जी भी गोता खाएंगे आने वाले वक्त में। और लेकिन जो चीजें हुई हैं कि राजनीति के साथ मतलब खास करके बीजेपी के साथ जो पूंजीपतियों की गलबहियां रही हैं वो किस हद तक फायदा पहुंचाने वाली, और वो जो कारपोरेट चंदा मिला है इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि कहां से मिलता है और किन किन को आप फायदा पहुंचा रहे थे। आपने देखा होगा वो चित्र, काफी मुझे लगता है कांग्रेस की मीडिया सेल ने उसको प्रसारित किया था। एक दौर था जब प्रधानमंत्री और एक पूंजीपति के बीच एक दायरा होता था, लेकिन वो दायरा तब खत्म हो गया जब मोदी जी के कंधे पर हाथ रख के अंबानी साहब की फोटो दिखाई दी, उनके सामने हाथ जोड़कर, उनकी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। एक और पूंजीपति जिनका इंतकाल हो गया है उनके वो बैठे हुए थे, वो मोदी जी खड़े हुए थे। तो ये प्रधानमंत्री का जो पद है उसका जिस तरह से चरण किया मोदी जी ने, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उस पद की जितनी मर्यादा को गिरा दिया, मुझे लगता है कि इसके पहले तो कभी नहीं हुआ होगा। अब देश नहीं बल्कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आप जरा उसकी बात कीजिए। और बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, दुनिया मंदी की तरफ जा रही है। 2008 की जो मंदी आई थी उस समय यह कहा गया था कि मनमोहन सिंह साहब के अपनी समझदारी प्लस जो भारत के लोगों की बचत करने की अपनी क्षमता है वो, और साथ ही साथ जो हमारी राष्ट्रीय कंपनियां थी चाहे वो बैंक हो या दूसरे और संस्थान हो, उनके वजह से भारत में मंदी का असर नहीं हुआ। लेकिन जो नोटबंदी की गई और उसके बाद लोगों की पॉकेट जो ढीली हुई, लोगों की बचत कितनी कम हो गई और महंगाई कहाँ है, जो लोगों के पास जमा पूंजी भी है, एक तो जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप आए थे इस देश में, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, काला धन वापस लेने के लिए का वादा करके आप आए थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, यहां काला नहीं, यहां तो महाकाला है, और अब उसका आप जवाब नहीं देंगे कि कहां ऐसा कैसे हो गया। अडानी साहब रातों रात, माने सितारा क्या चल रहा होगा उनका, रातों रात अमीर हो रहे थे और दूसरी तरफ इसी समय इस देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। राजीव जी, मैं तो इसको लेकर के चिंतित हूं, जो असमानता की खाई है वो इस देश में कितनी चौड़ी हो गई, कुपोषण के शिकार करोड़ों लोग हो गए, और ये सरकार तो बड़ा खम ठोक करके कह रही है कि हम तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। माने भुखमरी के कगार पर आपने लोगों को पहुंचा दिया और अडानी साहब को दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर बना दिया था। लेकिन अब जब वो सच्चाई सामने आ रही है तो उसमें जिन लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया वो अब बचने वाले नहीं है, क्योंकि दुनिया में वैश्विक मंदी का जो पूरा आहट नजर आ रही है उसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको संभाला नहीं, आपने जिस तरह से उसको डिसबैलेंस किया। और पूंजी पूंजीपति अगर डूबे तो इस देश के लोगों का क्या होगा, इस देश की पूरी इकोनॉमी का क्या होगा, रोजगार तो और डूब जाएंगे। जो करोड़ों लोग इस देश में हैं, एक तो असंगठित क्षेत्रों को पहले ही आपने खत्म कर दिया लगभग नोटबंदी और कोरोना के समय, अब जो कुछ बचा है वो भी डूब जाएगा। और ऐसे में चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, पिटारा वहां भी खुलने वाला है। जब ये हुआ है 8 साल में, एक तो पता नहीं चल रहा है कि क्या कैसे हुआ है, जियो किस दम पे आया जब बीएसएनएल को आपने खत्म कर दिया, तो सारी सरकारी कंपनियों को ध्वस्त करके इन दो पूंजीपतियों को जो सहायता पहुंचाई जा रही थी, उनको जो अरबपति बनाया जा रहा था, धन्ना सेठ बनाया जा रहा था, और गलत तरीके से, तो निश्चित तौर पर अभी तो अडानी को झटके लग रहे हैं, अंबानी को भी लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मौत लोगों की होगी। ये तो पूंजीपति हैं, इनका क्या है, ये तो दिवालिया घोषित करके निकल लेंगे, 20 तो भाग ही चुके हैं गुजरात से, और अडानी साहब भी भाग जाएंगे तो किसने देखा है। अंबानी साहब का सुना है कि ब्रिटेन में उन्होंने घर बार तो बना ही लिया है, क्या फर्क पड़े कि जो करोड़ों आवाम है उसका क्या होगा। सवाल ये है
मैं इकोनॉमी के बारे में नहीं जानता, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हूं कि इस देश के करोड़ों लोगों का क्या होगा अगर भारत की इकोनॉमी डूबती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमी के पर टिप्पणी करें ना करें, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि अगर